कैसे सब किस सब आ गए। आज हम एक और नया वीडियो लेके, जिसके अंदर हम लेके आए आईफोन 7 प्लस। भाई बहुत पुराना फ़ोन है, 128 GB वाला 7 प्लस है हमारा ये। आज मम्मी से उधार लेके आए अपना चलाने के लिए, तो चेक करते हैं जिसके अंदर पबजी का टेस्ट करते हैं। जब ये फ़ोन हमने लिया था तो 73,000 का लिया था, आज की डेट में तुमको ये फ़ोन अराउंड 20 से 22 हज़ार का मिल जाएगा आराम से। तो चलो फिर पबजी का स्टार्ट करते हैं जरा, देखते हैं इसके अंदर कैसा परफॉर्मेंस है, क्या ग्राफिक्स है, FPS है, लेट्स गो। सो थोड़ी बहुत जब तक अपने फ़ोन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे आईफोन 7 प्लस में वैसे 3 GB रैम है, 128 GB स्टोरेज है। ये फ़ोन आपका 5.5 इंच के रेटिना डिस्प्ले के साथ आता है। 810 फ्यूजन चिप है इसके अंदर, भाई बहुत अच्छा फ़ोन है। 2.8 GHz का प्रोसेसर है और अपने टाइम का ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन था। और ये हमारा मेरे ख्याल से पहला फ़ोन आया था जिसके अंदर पोर्ट्रेट कैमरा था पीछे बैक के अंदर। सब हमारी पबजी तो हाथों हाथ स्टार्ट हो चुकी है, तो चलिए जल्दी से जरा एक बार लॉगिन कर लेते हैं और चेक करते हैं जरा क्या क्या है ग्राफिक्स और सेटिंग्स इसके अंदर, और साथ ही में एक बढ़िया सा TDM का टेस्ट भी करते हैं सारे ग्राफिक्स देख के। तो चलते हैं जल्दी से जरा अपनी सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। नया अकाउंट बनाना थोड़ा सा होता है क्वेश्चन द्वारा, तो जल्दी से अपनी सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जाके हम चेक करते हैं हमारे ग्राफिक्स क्या है। भाई जायरोस्कोप बहुत अच्छा चलता है फ़ोन का। ग्राफिक्स अगर हम देख सकते हैं तो स्मूथ के अंदर हमें अल्ट्रा मिलेगा, बैलेंस के अंदर हमें अल्ट्रा मिलेगा देखने के लिए यहाँ पर, ठीक है। बाकी सब तो बढ़िया चलता है, अल्ट्रा एकदम बढ़िया। HD के अंदर हमें यहाँ पर हाई मिलेगा, साथ में HDR का सपोर्ट भी है उसके अंदर भी हाई मिलेगा, बट अल्ट्रा HD का अभी तक कोई सिस्टम नहीं आने का कि अल्ट्रा HD कब तक आएगा, नो वेज। बट चलिए हम चलते हैं, हम स्मूथ के अंदर अपना टेस्ट करते हैं, लगा के एक बार देखते हैं कि हमारा फ़ोन कैसा चल रहा है, कैसा काम करेगा। FPS आएंगे इसके अंदर 40, तो देखते हैं कितना ड्रॉप डाउन होता है TDM टेस्ट के अंदर। सो इसके साथ ही जल्दी से शुरू करेंगे अपना TDM टेस्ट। हमने मैप वगैरह सब डाउनलोड कर रखे हैं, सो चलिए शुरू करते हैं मैप भी। एकदम से तुरंत ही गेम स्टार्ट हो जाती है, ये चीज़ अच्छी है इसके अंदर। बट अभी लॉबी थोड़ी सी छोटी आएगी, बट फिर भी हम देखते हैं FPS ड्रॉप और जायरोस्कोप कैसा है, एम असिस्ट कैसा है। एक चीज़ मेरे को बहुत इसके अंदर लगी कि जो KR ID है ना इसके अंदर, दोबारा से आप देखोगे तो रेड ब्लड आ चुका है। ये मैं KR के अंदर खेल रहा हूँ, तो उसके हिसाब से एम असिस्ट इतना अच्छा नहीं होता KR के अंदर जितना ग्लोबल के अंदर होता है, बट उसके हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है इस फ़ोन की। मेरे हिसाब से TDM के लिए अच्छा फ़ोन था ये, अपने टाइम पे बेस्ट फ़ोन था, बट अभी का कुछ नहीं कह सकते। बट फिलहाल फिर भी देखते हैं हम लोग कैसा चल रहा है हमारा फ़ोन और चेक करते हैं जल्दी से। अभी तक तो FPS में कोई ड्रॉप दिख नहीं रहा, बहुत स्मूथ चल रहा है भाई अभी तक तो। मेरे ख्याल से मैंने शायद जायरो भी ऑन नहीं करा होगा, I think so। यहाँ पर एक बंदे को हमने मार दिया स्कोपिंग करके, बट दूसरा बंदा फिर भी बच गया हमारे हाथों से। सो अभी थोड़ी देर बस मैं अपना जायरो ऑन करने ही लगा हूँ, पहले बिना जायरो का टेस्ट चल रहा है। यहाँ पर देख रहा हूँ मैं कि बिना जायरो का कैसे काम करता है ये, कितना ज़्यादा हम अपने आप को स्मूथ रख सकते हैं गेम प्ले को। इसके बाद हम अपना जायरोस्कोप अभी ऑन करेंगे। बट जो भी हो, बिना जायरोस्कोप भी फ़ोन तो बहुत बढ़िया चल रहा है, रैम असिस्ट बहुत अच्छा है फ़ोन का, एकदम टपाटप गोलियाँ चिपकती हैं लोगों के जाके, यार सीधा सीधा हेड लगते हैं लोगों को, सीधा सीधा हेड। तो इसी के साथ हमने अपना जायरोस्कोप तो ऑन कर लिया है साथों साथ ही, चलो देखते हैं अब कैसा जाएगा हमारा गेम प्ले। जायरोस्कोप ऑन कर लिया था, वाला फ्रेम मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया है। अब जायरोस्कोप ऑन करके खेलते हैं, अब देखना कैसे तुम्हारा भाई किल निकालेगा, उन लोगों को कैसे चटनी चटाएगा। देखो बीच में क्या हुआ कि सामने वाली टीम के जो बंदे थे ना वो चले गए, और उनकी जगह थोड़े अच्छे बंदे आ गए, थोड़े से ना ज़्यादा नहीं कह सकते, थोड़े अच्छे बंदे आ गए जो हमारे लेवल के हिसाब से थोड़े से अच्छे थे, हमारे डिवाइस के हिसाब से थोड़े बेटर चल रहे थे। बट इन लोगों का भी भाई बहुत ही गजब का मारा हमने, बहुत ही गजब का। देखो चेक करो क्या गोलियाँ चिपकती है यार फ़ोन के अंदर से, OP फ़ोन है यार। आईफोन तो वैसे ही सारे बहुत बढ़िया होते हैं, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया चल रहा है। देखो क्या मारा बंदे को यार, लपालप एकदम। अभी यहाँ पर तुमको पता चलेगा देखो क्लोज इन का टेस्ट कैसे होता है। अब यहाँ पर सामने बंदे देखा, ये दिया स्कोप और ख़त्म। यहाँ पर बहुत बढ़िया एम असिस्ट काम कर रहा है, KR के अंदर भी एम असिस्ट काम कर रहा है, मैं हैरान हूँ देख के इतना बढ़िया कैसे चल सकती है गेम। भाई देखो एक बार में मैं कह सकता हूँ, एक बार में कम से कम 3 या 4 बंदे एक बार में मार दिए मैंने, और ये बहुत ही बढ़िया गेम निकल गया रही। देखो क्या मस्त एकदम फ़ोन के अंदर लैग, मतलब अगर आप TDM वगैरह प्रैक्टिस के लिए फ़ोन अपना यूज़ करते हैं ना भाई, 1% लैग नहीं है। एक बार में देखो 6 बंदे मार दिए मैंने बिना रुके। देखो अब लास्ट में मरी गया क्योंकि HP कम बची थी, बट ये फ़ोन अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा है। इस फ़ोन को लिटरली आए हुए कम से कम भी 5 साल हो चुके हैं, और मेरे पास भी तब से ही है मेरे घर में, जब से ये फ़ोन आया था तब से, फर्स्ट डे से।
उसके बाद भी आज भी ये फ़ोन इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। थोड़ा सा कह सकते हैं बैटरी के अंदर थोड़ा सा लैग है, बैटरी के अंदर थोड़ा सा इशू है कि बैटरी थोड़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है फ़ोन की, बट वैसे फ़ोन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी भी। मतलब अगर तुम लोगों को अगर 40 FPS के हिसाब से डिवाइस को कंपेयर करोगे ना, तो मेरे हिसाब से 40 FPS के अंदर इससे अच्छा फ़ोन तुमको नहीं मिलने वाला, जितना मेरे को लग रहा है 40 FPS के अंदर बेस्ट डिवाइस है ये। मैंने इस डिवाइस के अंदर लिटरली आज पहली बार खेला, बिल्कुल नई सेंसी हर चीज़ बिल्कुल नहीं है, उसके बावजूद भी मैंने 17 किल कर लिए TDM के अंदर। बंदे भी अच्छा खासा खेल रहे थे, ये नहीं कह सकते कि अच्छा नहीं खेल रहे थे। बस इस फ़ोन के अंदर जो एक वो चीज़ है ना कि ये फ़ोन अपने कैमरे वाले पार्ट की तरफ से ना काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया। मतलब तुम ये लगा लो मैंने इसके अंदर 2 TDM खेले, 1 बूट कैम खेला, मेरा फ़ोन लिटरली एप्पल लोगों के पास और उस जगह पे बहुत ज़्यादा हीट अप हो रहा था। नीचे लिटरली जहाँ से तुम सोचोगे कि जहाँ से हमारी आवाज़ आती है स्पीकर ग्रिल से, वहाँ से तो हो ही रहा था, बट एक कैमरे के और एप्पल के लोगों के पास वाला स्पॉट इतना ज़्यादा गर्म था कि उंगली रखने में तुमको लिटरली फील होगा कि तुमने किसी हॉट सरफेस के ऊपर उंगली रखी हुई है। बट बाकी फ़ोन एकदम सही है, बैटरी परफॉर्मेंस और हीटअप का थोड़ा इशू है, वो तो होगा क्योंकि 5 साल पुराना फ़ोन है। बाकी अगर तुम लोगों को ये फ़ोन अभी भी लेना है सो 2021 में तो मैं इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करूँगा कि लेना चाहिए। अगर तुम ले रहे हो तो कोई ऐसा फ़ोन लो जो तुम्हारे थोड़ा काम आए इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव खेलने के लिए, बट ये फ़ोन कॉम्पिटिटिव के लिए सही नहीं है, मैं इसको कॉम्पिटिटिव के लिए मना करूँगा। अगर तुम नॉर्मल रैंकल मैचेस भी खेलोगे उसमें भी तुम्हें थोड़े इश्यूज़ हो सकते हैं, बट कॉम्पिटिटिव के लिए तो 100% ना है। पहले तो 40 FPS डिवाइस है, उसके बाद 6 साल पुराना डिवाइस है, तो वो फ़ोन अच्छा नहीं चलेगा। सो अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट करके बता देना कि तुम्हें और कौन से डिवाइस पे चाहिए वीडियो, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे वीडियो लाने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।